मछली पकड़ते पकड़ते सांप मिल गया देखे तो यहाँ नल के पास सब इकट्ठा होकर नहा रहे हैं और शरीर साफ कर रहे हैं। देखिए हैंड पंप से देखिए सबके शरीर में मिट्टी लग गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ अभी घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी घर पे नहीं रहने वाला। अभी हम जाने वाले हैं घर से करीबन 30 किलोमीटर दूर, वो भी मछली पकड़ने के लिए। इतना दूर आज हम पहली बार जा रहे हैं सिर्फ मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि काफी मछलियाँ हैं और वहाँ पे आराम से मिल भी जाती है। तो अभी वहीं पर हम जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे दो लोग और सामान भी लेके जाएंगे। उसमें अगर जो मछली मिलेगी तो उसमें भर के लेके आएंगे। तो आप बने रहना ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते सीधे वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम बाइक से जा रहे हैं। देखिए हमने ले लिया एक ड्रम, इसे हम मछली भर के लाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, अभी जस्ट घर से निकले हैं, कुछ 10 मिनट हुआ और अभी देखा जब वहाँ पहुँचने में कुछ 20 मिनट का समय लगेगा। ये हमारे इधर का रास्ता कितना सुंदर होता है भाई साहब, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ साइड साइड में पेड़ लगे रहते हैं पेड़, और इसकी वजह से देखने में भी सुंदर लगता है और चलाने में भी अच्छा लगता है। और धूप जब रहती है गर्मी का सीज़न तो आराम से कहीं रुक के गाड़ी रोक के आराम भी कर लेते हैं छांव में, पेड़ के छांव में बैठ के। देखिए वहाँ पे दिख रहा है सब भैंस चरा रहे हैं, उधर ही जाना हमको। देखिए सब गाय भैंस लेके उधर ही गए हैं, देखो काला काला, और पानी दिख रहा है ना, उधर ही जा रहे हैं हम भी। इतना ज़्यादा भैंस है सब, इतना ज़्यादा भैंस चरा रहे हैं। और देखिए हम कैसे के रास्ते पकड़ के जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, इधर से सारा घास है। गाय के लिए चारा इधर बहुत ज़्यादा है, गाय भैंस के लिए खेत में ही छोड़ देते हैं, चढ़ती रहती हैं सब। सात के समय में सब इधर पूरा पानी भर जाता है, जब बारिश होती है, जब नदी का पानी इसमें आता है तो पूरा पानी भर जाता है इधर सब। अभी बरसात नहीं हो रही इतना, तो देखिए सब गाय भैंस चल रही है, पानी नहीं आया है, तो ज़्यादा बरसात होगी तो सब पानी आ जाएगी इधर। देखिए सब जुगाड़ लिए हैं, इसमें मछली पकड़ के लेके आएंगे सब पानी निकालने के लिए। ये हमने थरिया लिया है छिपा, और बाल्टी भी लिया है इसमें मछली रखने के लिए। तो उधर लड़का भी एक बाल्टी लेकर जा रहा है और छिपा लेकर जा रहा है, सब यही जुगाड़ है मछली पकड़ेंगे हम पानी निकाल निकाल के। ये देखिए भैंस इधर आगे छांव में खड़ी है, पेड़ के छांव में। इसको भी गर्मी लग रहा है भाई साहब, काफ़ी धूप हुआ है, देखो पानी ढूंढ रही है इसमें। देखिए आ गए हैं अभी नदी के पास, देखिए कैसे किस किस रास्ते से जा रहे हैं भाई साहब, कैसा कैसा रास्ता है। देखिए सब बाढ़ का हिस्सा है, सूख गया है पूरा, जब बाढ़ आएगी तो पूरा इसमें जंगल जैसा होगा। ये लड़का डर के भाग रहा है, देखो। देखिए आ गए हैं नदी के पास, इधर सब ने गेड़ दिया, देखो मछली रोकने के लिए गेड़ दिया है, लेकिन भाई मछली तो मछली है, कहीं भी चली जाएंगी, सारा इसमें मछली पड़ी हुई है। अभी हम थोड़ा सा घेरा बना के पकड़ेंगे मछली को, देखिए जा रहे हैं, अभी घेरा बनाएंगे उसके बाद पकड़ेंगे, पानी निकाल के पकड़ेंगे। देखिए अभी मैं भी जा रहा हूँ इसमें घुसने, और ऐसे घेरा लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से घेरा लगा के ऐसे घेरा लगाएंगे। मैं भी तैयार हो गया हूँ, देखो पगड़ी बांध कर कपड़ा निकाल के। देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, तो अच्छा है हवा चल रहा है तो, क्योंकि धूप भी हुआ है। अच्छा हवा नहीं चलता तो गर्मी ज़्यादा होती है और धूप भी एकदम ज़्यादा लगता है, तो हवा में काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एक देखो एक मछली पकड़ लिया, फेंको ये लो। ये देखो यहाँ पे आ गई ये मछली, ए हे ये देखो, ए जल्दी पकड़ में नहीं आती है मछली, ये देखो अब इसको रखते हैं बाल्टी में। ऐसे पानी निकाल रहे हैं, ऐसे पानी निकालेंगे हम सब, पूरा इधर से पानी निकालेंगे, देखो ऐसे बाल्टी से और थाली से सब जैसे भी करके पानी निकालना है, उसके बाद मछली पकड़ेंगे जब पानी सूख जाएगा तब। देखिए मछली एक गड्ढा तो मछली पकड़ लिए, एक गड्ढे में का एक बांध का यहाँ के कंप्लीट हो गया, पकड़ लिए हैं। खाते हैं अभी मछली कितना इसमें मिली है, देखिए इतना मिली है, इसमें सब मिट्टी भी है लेकिन मछली मिल गई है एक किलो से ऊपर ही। अभी फिर दूसरी जगह बांध बनाएंगे, यहाँ पर जो पानी साफ दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा जहाज जो दिख रहा है इसे पकड़ के हम बनाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगी आराम से 2 किलो। देखिए
यहाँ पे बनाएंगे। मछली पकड़ते पकड़ते सांप मिल गया, देखे मर्दे कहीं फेंका था लो। इतना ज्यादा खर है जंगल की, इसमें सांप भी है पता ही नहीं चल रहा है। दो सांप तो निकाल दिया इसमें से ही, और मैं डर के भग के आ गया बाहर। देखो पानी के बाहर आ गया बिल्कुल, मैं भी अंदर ही था पानी के, लेकिन जब सांप देखा तो तभी भग गया था, क्योंकि सांप से मुझे बहुत डर लगता है। देखिए अभी दूसरी जगह पे जाकर फिर से बांध बनाना शुरू कर दीजिए इसने। देखो जलकुम्मी है सब, इसको हम जलकुम्मी बोलते हैं, जो पानी वाला खर होता है। एक वहाँ पे जाके बांध रहे हैं सब। कितना ज़्यादा यार, कितना ज़्यादा जा रहा है। देखो पूरा नदी में यही भरा है पूरा, देखो साइड साइड में सब यही भरा है। अभी दो जगह तो मछली, तीन जगह मछली पकड़ा, लेकिन ज़्यादा मछली नहीं मिला, लेकिन खाने भर से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं है। एक बाल्टी हम सोच के आए थे, एक बाल्टी अभी नहीं मिली है। जा रहे दूसरी गोला में, दूसरी जगह गोला बनाएंगे, वहाँ पे पकड़ेंगे। अब कपड़ा उपड़ा लेके अब जा रहा हूँ दूसरी जगह पे, अब दूसरी जगह पे पकड़ेंगे मछली। ये कपड़ा भी निकाल दिया, ऐसे हाथ में लेके जा रहा हूँ, फिर दूसरी जगह रखूँगा और वहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए साइड साइड से ही जा रहे हैं नदी, साइड साइड सब इधर उधर घूम घाम के। तो हमारा मछली पकड़ने का कार्यक्रम पूरा हो गया। इसके अंदर हमने मछली डाला हुआ है ताकि मरेगी नहीं, लेकिन आधा से ज़्यादा तो मर गई हैं। अभी इसको नलके के पास ले चल के नहाएंगे और इसको साफ भी करेंगे, क्योंकि शरीर काफ़ी कचरा हो गया है। देखो पूरा मिट्टी और तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो नलके के पास चल के हम सफाई करेंगे शरीर का भी और मछली का भी, और नहाएंगे अच्छे से, उसके बाद लेके जाएंगे घर पे मछली। तो यहाँ नलके पर सब इकट्ठा होकर नहा रहे हैं और शरीर साफ कर रहे हैं। देखिए हैंडपम्प से सबके शरीर में मिट्टी लग गया है। तो हम सब ने नहा लिया, अब कपड़ा चेंज करेंगे, और मैंने भी नहा लिया, नहा के कपड़ा भी चेंज कर लिया। अभी चलेंगे घर पे, उसके बाद मछली का सफाई करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कितना हमने मछली पकड़ा है। तकरीबन हमने 3-4 घंटे तक मछली पकड़ा, अब आपको दिखाएंगे 4 घंटे में कितना मछली मिली है। यहाँ पे देखिए मछली ला दी है अपने घर के पास, और साफ भी कर रहे हैं, पानी से धुलाई कर दिए। देखिए कैसे कैसे दिख रही हैं, इसमें कोई जिंदा भी है और मर भी गई हैं। जो जिंदा है बड़ी वाली वो छटक रही हैं, भग रही हैं इधर उधर, देखिए। और हमने बाल्टी में भी थोड़ा रखा हुआ है, देखो कैसे घूम रही हैं, तैर रही हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम घर पे मछली लेके, और हमने जितना लोग थे उतने में हमने बांट लिया, भाग कर दिया, और मैं अपना हिस्से का लेके आया हूँ अपने घर। देखिए इतना है सब मछलियाँ, और मम्मी भी बनाना शुरू कर दी है, और इसमें भी कुछ मैंने मछली जिंदा रखा हुआ है। देखो देखिए कितना आराम आराम से चल रही है, इसमें तैर रही है धीरे धीरे।